इतिहास ने कई वैभवशाली महलों को खंडहरों में बदलते देखा है और देखा है एक ऐसा समय जब धरती पर धन और शक्ति के लालच में अंधे आतताइयों का राज था। जिसने भी उनके अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई, उसकी आवाज कुचल दी गई। पाप और अत्याचार के बोझ से दबी मां पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से मदद की गुहार लगाई और समस्त देवगणों के साथ ब्रह्मा जा पहुंचे वैकुंठ भगवान विष्णु की शरण में। उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतरित हों और उन्हें पाप के इस बोझ से मुक्ति दिलाएं। मेरे परम प्रिय भक्तों, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी। संसार में सत्य और धर्म की रक्षा करने और दुष्टों के विनाश के लिए पृथ्वी पर मैं शीघ्र ही अवतरित होऊंगा। वृंदावन। 5000 साल पूर्व एक अद्भुत बालक ने अपना बचपन इसी पावन धरती पर बिताया और अपनी अनोखी बाल लीलाओं से वृंदावन वासियों के दिलों पर राज किया। इस सुंदर वन के कच्चे रास्तों पर उसने अपने नन्हे कदमों के ऐसे कभी न मिटने वाले निशान छोड़े हैं कि ये सुंदर गलियां, मोहल्ले और यमुना का कल कल बहता पानी सभी उसकी वीरता की कहानियां सुनाते हैं। उसकी लीलाओं की अनेक कथाएं हमारे देश के बड़े पुराने ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत पुराण में लिखी हैं और हजारों सालों से इन कथाओं ने न केवल पढ़ने वालों भक्तों का मन पीढ़ियों तक जीता है, बल्कि उनके हृदय में नन्हे कृष्ण के लिए एक विशेष स्थान भी बनाया है। कृष्णा, क्या कर रहा है बेटा? ये नटखट माखन चला रहा था। मैंने इसे मना किया और इससे माखन वापस ले लाता। ओह कृष्णा, तू तो संसार का सबसे प्यारा चोर है। मैया की नजर हम पर है कृष्णा। आज तो उनका स्वादिष्ट मक्खन और दूध चुराना असंभव है। हम चलाएंगे। कैसे? बच्चे जैसे। Hee hee hee.
महाराज, आइए अपने पुत्र की वीरता देखिए। क्या कृष्णा को दंडित करेंगे पापा? सबका मन मोहने वाले को भला कोई कैसे दंडित कर सकता है, बोलो। आपके दोनों ही पुत्र बड़े प्यारे हैं नंद महाराज, और बलराम की मुस्कान तो बड़ी प्यारी है। मैया बाबा को अच्छा लगता है जब हम कोई शरारत करते हैं। हम क्या करें कृष्णा? ऑल कर लो। परंतु और क्या? शलालत। हमें और अधिक शरारत करनी चाहिए कृष्णा। तुम जितने भोले दिखते हो उसे कहीं अधिक चतुर हो। आओ मिलके ऐसी शरारत करें कि मैया बाबा देखते ही रह जाए। चलो सारे बछड़ों को गायों का पूरा दूध पिलाकर हम उन्हें दिखा देंगे हम कितने चतुर हैं। चलो खोल दो सबको। गोपियों के लिए अब थोड़ा भी दूध नहीं बचा। तुम दोनों क्या कर रहे हो? दूध पिला रहे हैं। गायों का दूध निकालने के पहले क्यों किया ऐसा? ये दोनों इतने प्यारे हैं कि मुझसे डांटा ही नहीं जा रहा। यशोदा, नंद महाराज, आइए देखिए आपके प्रिय पुत्र क्या कर रहे हैं। मानते हैं ना कि हम वृंदावन के सबसे शरारती बच्चे हैं? जब हम इनका दही माखन चुराएंगे ना तो देखना कोई नहीं हंसेगा। देखा मैंने माखन की हांडी ऊपर क्यों रखी? ताकि ये दोनों नटखट कुछ भी न चुरा पाए। मिल गया। इसे तुम क्या करोगे कृष्णा? वर्षा करूंगा। मुझे वर्षा नहीं, माखन चाहिए माखन। तुम दोनों माखन चोरों को मैंने पकड़ लिया। देख ले, दोनों को दंड दे। इनकी शरारतें अब बढ़ती ही जा रही हैं। तुम्हें अपने नटखट पुत्रों को दंडित करना चाहिए। हमने इन्हें हमारा माखन चुराते पकड़ा। फिर से क्या ये सत्य है? हमने माखन चुराया मैया, और उसकी एक एक बूंद का स्वाद लिया। क्या अब हमें दंडित करोगी? हाँ अवश्य करूंगी। पर तब जब मेरे हृदय को आनंदित करने वाले मेरे दोनों पुत्र मेरे गले लगेंगे। हमारे नटखट माखन चोर कृष्णा और बलराम। पर इन्होंने हमारा माखन चुराया। माखन हम अपने बालकों के लिए ही तो निकालती हैं, है ना? ओ, हाँ निकालती तो हैं।
तब तो तुम्हें सदा हमारे गले लगे रहना पड़ेगा। मनमोहना मोरा कृष्णा 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 मनमोहना Krishna Krishna Manmohana Radhe Radhe Jai Shri Krishna Radhe Radhe Krishna Krishna कृष्णा, देखो तो तुम्हारा भाई कितना चिंतित हो रहा है। तुमने माटी क्यों खाई पुत्र? क्या इसने सच में माटी खाई है बलराम? हाँ। सत्य का पता लगाने का एक ही तरीका है। कृष्णा, यदि तुम सत्य बोल रहे हो तो अपना मुंह खोलो और हमें देखने दो। संभव है? यशोदा, इन्होंने पता नहीं कृष्ण के मुंह में क्या देख लिया। इसने माटी खाई है। मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड देखा, सैकड़ों सूर्य और ग्रह, सागर और पर्वत भी, ज्वालामुखी, सब कुछ इसके मुंह में। मेरी बुद्धि फिर गई है शायद। नहीं, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल ठीक है। क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि कृष्ण में कुछ विशेष है? परंतु उसके मुंह में मैंने... तुमने वही देखा जो सब देखते हैं, अर्थात कृष्ण की माया का एक और अद्भुत रूप।